Nawazuddin ji, बहुत बड़े फैन हैं आपके यार. So pleasure to meet you. और विदिता जी, हाउड़ा यू. मजा आ गया सर. सर आपकी फिल्में हैं कि सैलरी है सर, हर महीने आ जाती है. लेकिन सर सबसे पावरफुल एक्टर है यार, पहाड़ तोड़ दिया यार फिल्म में, देखा था आपने? हाँ, मैं देखा देखा. पहाड़ तोड़ दिया सर. अभी आप ऐसे जाते हैं कभी, मतलब हिल स्टेशन पे घूमने, तो पहाड़ वहाड़ घूमते के तोड़ के आ जाते हैं? मतलब अंदर से तो आता है कि तोड़ दूं, लेकिन वापस आ जाते हैं. काफी तोड़ ताड़ में ऐसा बिलीव करते हैं, काफी वहाँ पे तोड़ रहे हैं, यहाँ पे ताड़ रहे हैं. अच्छा तू ये फालतू बातें करने आया? नहीं नहीं सर, बातें हम अच्छी करते हैं, आप सुन के फालतू कर देते उन्हें. सर आपको पता है आज कौन सा दिन है? कौन सा? आज नवाजुद्दीन है. ये बोलते हमको बड़ा मजा आया सर. नवाज भाई इसका बुरा ना मानना, दिल का अच्छा आदमी है, बाकी दिमाग का इलाज तो चल ही रहा है. बस कीजिए कपूर शर्मा, बस कीजिए. नहीं करता जा तो ऑटो कर लीजिए. अच्छा तू बताया नहीं तूने क्यों यहाँ आया आज? हम अपना खुद का एक प्रोडक्शन हाउस खोल रहे हैं. खोल लिया आपने? हाँ सर, तकरीबन खुल गया है. तो इससे पहले कुछ देख ले, फटाफट बंद करके निकल जा. तो ये क्या बात हुआ यार, अभी खोलने जा रहे हैं. सर हम चाहेंगे कि हमारा ये जो प्रोडक्शन हाउस है, इसमें इसके बैनर के अंडर में एक फिल्म हम आपके साथ शुरू करेंगे. चल कहानी की वन लाइनर तो सुना, पसंद आ भी गई तो फिर भी कौन सा बननी है? सर बदले की कहानी है, हीरो है सर, हीरोइन है, लड़का लड़की एक दूसरे से जाहिर सब बातें, उनको प्यार हो जाता है, फिर शादी होता है, फिर बच्चा होता है. पहला ही सीन. तो इसमें बदला कहाँ है मतलब? नहीं, बच्चा होने के बाद बीवी अपने पति से कहती है ना कि आप बदले बदले लग रहे हो, गया ना बदले की कहानी. बदले का कहानी है. नहीं नहीं सर, सीरियस नोट पे बताते हैं. तो एक ठाकुर है सर, और वो डाकुओं को ढूंढ रहा है. अच्छा ये तो शोले की कहानी नहीं है? नहीं नहीं सर, अभी आप, हाँ ये हमारा जो ठाकुर है, ठाकुर भानु प्रताप है, उसका बेटा है हीरा ठाकुर. हीरा ठाकुर जो है उसको भानु प्रताप अपने घर से निकाल देता है. हीरा ठाकुर अपने बाप को खीर के अंदर जहर डाल के दे देता है. शोले में सूर्यवंशम कहां से आ गई भाई? ये आप सेट मैक्स से पूछिए सर, आ जाती है सर. अब खैर कहानी आगे बढ़ता है सर. हीरो आपको हीरोइन को जंगल में जाके ढूंढना है, डाकू उसको पकड़ के लेकर गया है. तो आप ढूंढ रहे हैं, आप जंगल में से जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, दीवार आती है, आप बैठ के देखने लगते हैं. दीवार क्यों देखने लगते हैं? अमिताभ बच्चन शशि कपूर का इतना फेमस फिल्म है यार, ऐसे थोड़ी इग्नोर करके चले जाएंगे. अब दीवार को आप कायदे से सर बैठ के 3 घंटा देखते हैं, आपको मजा आता है. फिर यहां से आप निकलते हैं हीरोइन को ढूंढने के लिए, पीछे जाते हैं, आपको डाकू मिलते हैं, आप डाकू को मारते हैं, हीरोइन को लेते हैं, घोड़े पे बैठाते हैं, और घोड़े पे हीरोइन को लेके आप लौट रहे हैं, सामने से एक ट्रक आ रहा है. अरे धड़ाम बम 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 बम. एक्सीडेंट हो जाता है? नहीं नहीं सर, बगल में एक पटाखे का दुकान है, उसमें आग लगा है. मैं समझ रही हूं. अब सर यहां पर होता है फिल्म का इंटरवल, और अब आता है कहानी में ट्विस्ट. क्या ट्विस्ट आता है? फिल्म यहीं खत्म हो जाता है. इंटरवल में क्यों खत्म हो जाएगी भाई साहब? सर आपको बहुत सीक्रेट कायदे का बात बताते हैं. सबसे ज्यादा फिल्म का बुराई आदमी कब करता है? जब इंटरवल में वो टॉयलेट जाता है. मौका ही नहीं देंगे यार हम. मौका ही नहीं देंगे. टॉयलेट में जाएगा नहीं, बुराई होगा नहीं, फिल्म को हमने यहीं कर दिया खलास. ऐसा होता है. अच्छा ऐसे तेरी फिल्म तो कभी नहीं बनेगी. तो हम पॉपकॉर्न बना देंगे यार. क्या जाता है, कमाई उधर है सर. हम आपको बता रहे हैं, हम देखने गए हैं पिक्चर. कई लोग 250 रुपए का टिकट खरीदते, पिक्चर की जगह पॉपकॉर्न को देख रहे होते हैं. ये कितना महंगा क्यों है यार? आए हो पॉपकॉर्न कभी? हाँ खाए ना सर. जानते हो कैसे बनता है? कैसे बनता है सर? मकई को कढ़ाई में डाल के जब भूजा जाता है तो बहुत आवाज करता है. जानते हो काहे? काहे? काहे कि उसकी फटरी होती है. यही सुनना चाहते थे सर, सुन के मजा आ गया, दिल खुश हो गया. वैसे मैडम 20 रुपीज हम भी लाए थे. दे दीजिए. और 3 रुपए 60 पैसे भी चाहिए.
और जीएसटी के। अरे बाप रे, जीएसटी का भी है वो, पूरा साथ में लेके आते हैं फिर। ओके आई विल प्रिपेयर एंड कम। लेकिन मजा आ गया सर आप लोगों से मिलकर। जोक तो जोक्स जोक्स। अरे जोक सुनाते 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 यार, ऐसा नहीं है सर, क्या है जोक वोक सुनाते ना माहौल बना रहता है। हमारा क्या है लाइफ में कॉमेडी जरूरी है, तो हम अपने लाइफ में लाते हैं कॉमेडी को। आप भी लाइए, मजा आएगा यार। तो लीजिए फेस करते हैं के अपना जो मुगल है ना हमारे देश में आए, उन्होंने बहुत ऐसे जंग वंग जीती, बहुत जंग जीती, लेकिन एक रात को उनके सारे जो हथियार थे ना गायब हो गए, वो उन्हें ढूंढ नहीं पाए। बताइए क्यों? क्यों? बिकॉज दे आर मुगल नॉट गूगल। चलिए सर चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मजा आया सर। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.